बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल गजरेला। इसके लिए दूध लिया है 3 किलो और गाजरें ली हैं 1/2 किलो और दूसरी तरफ 6 चम्मच लिया है बासमती राइस है। इसे धो के साफ कर लेना है और इसको डिप कर लेना है 1 कप दूध में। तो इसको एक साइड पर रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, इसे भिगा रहने दें। और दूसरी तरफ गाजरों को हमने पकाया है दूध में तकरीबन 20-21 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब हम चेक करेंगे कि ये गाजरें गल चुकी हैं और 75% देखो ये गल गई हैं। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चावलों का मिक्सचर। तो जो बासमती चावल भिगोए थे उसको अब हमने डाल देना है ब्लेंडर में। तो ये देखो इसको हमने ब्लेंडर में सुट दिया, एलो जी एनू ब्लेंडर सुट दियो। तो उस तो बाद ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लो और इसको दरदरा ग्राइंड करना है। इसको इतना ज़्यादा नहीं, मलीदा नहीं बना लेना आपने, दरदरा सा ग्राइंड करना है और उसके साथ इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा बनेगा गजरेले का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री मिले। और ये देखो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मिक्सचर और ये तमाम मिक्सचर को पॉट में डाल दिया। और ये दूध पकने के बाद ये इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ा सा घी नज़र आ रहा है, तो ये इसी मलाई का ही है। ये इसकी वजह से ही ये गजरेला और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। कवर कर दें 10 मिनट के लिए, मज़ीद इसे छोड़ देते हैं। और अब मैंने 10 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे 2 घंटे के बाद इस मिक्सचर को पड़ा रहने दें। ये एक टिप है, इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी, अब इसको पका रही हूँ, साथ साथ इसमें शामिल कर दी है 200 ग्राम चीनी। और अब ये देखो इसका टेक्स्चर कैसा लग रहा है और ये तकरीबन तैयारी के मराहिल में दाखिल होने ही वाला है। और ये देखिए अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, जब ये बबल्स बनने शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि गजरेला बिल्कुल तैयार है। तो लो जी गजरेला हमारा डन हो गया। और मैं इसको डेकोरेट करने का सोच रही थी तो मैंने सोचा कि बादाम को मैंने कलर्स ग्रीन कलर में डिप कर दिया और उसको मैंने दरदरा सा बना लिया और उसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। क्रीम को दूसरी तरफ मैंने तैयार कर लिया ब्लेंड करके और उसमें हल्का सा कलर डाल के पिंक फ्लावर बना लिए। और आपकी पे डिपेंड करता है कि अब आपकी मर्जी है कि तुसी जिस तरह का चाहो डेकोरेट करो, ताड़े उत्ते पाबंदी कोई नहीं, तुसी अपने बॉस खुद हो। तो मैं जो सोचा मैं अपने मुताबिक इन डेकोरेट कर रही हूँ। और एलो मैं मज़ीद पूरा डेकोरेट कर देता है और जैसे आप चाहो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे डेकोरेट करो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये कोशिश आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपकी हौसला अफजाई के मुंतज़िर हूँ। और जो जहाँ जिस कंट्री से भी देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद नई नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।